तो आज का जो टॉपिक है अपने पास एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है ये वाला, यानी ट्रिग्नोमेट्री काम कहाँ लाएंगे अपने पास। तो जैसे अगर मैं कहूँ अपने पास क्या, एक इतना बड़ा प्लेस अपने पास, एक इतनी ज्यादा, एक इतनी हाइट का एक ऐसा पोल दे रखा अपने पास कि इसको हम बिना चढ़ चढ़ ही नहीं सकते यहाँ पे हम, और हमने इस पोल की हाइट निकाली बिना चढ़े, लेकिन अपने पास ये डिस्टेंस दे रखे, कुछ ये एंगल दे दिया या कुछ रस्सी दे दी, या अपने पास ये डिस्टेंस दे रखी हो, ये बारी मान लो ये अपने पास दे दिया 10 मीटर का। हाँ, यानी कहने का मीनिंग है ट्रिग्नोमेट्री काम कहाँ लाएंगे। मैंने कल भी एक वीडियो भेजी थी, उसमें बता रखा था आपसे कुछ सब कुछ बेसिक की थी शायद, वो ना देखे, चलो कोई बात नहीं। यानी अपने पास एक पोल ऐसा है, हाँ चलो कोई बात नहीं, एक पोल ऐसा है कि उसके ऊपर हम चढ़ नहीं सकते, इसकी हाइट इतनी ज्यादा है कि हम चढ़ ही नहीं सकते, ठीक है। लेकिन हम उस पोल की जैसे डिस्टेंस, या अपने पास कोई पॉइंट लिया ग्राउंड पे, इस ये पोल, ये पॉइंट और इस ये जो पोल है और ये जो पॉइंट है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस 10 मीटर की। अब ये जो एंगल है यहाँ से यहाँ तक, ये 30 मीटर का है। एंगल हम नाप सकते हैं, एंगल नापने का शायद एक इंस्ट्रूमेंट आता है, 30 डिग्री का एंगल है, 30 डिग्री का, और ये 10 मीटर का। लेकिन ये जो एंगल, अब आप कहोगे एंगल कैसे नापा यहाँ से यहाँ तक, एंगल नापने का एक इंस्ट्रूमेंट आता है, उस इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं TheodolitePhotolite लाइट, थियोडोलाइट शायद, एक बार स्पेलिंग देख लेना ये क्या है, शायद चेंज भी हो सकती है, TheodolitePhotolite देख लेना वो, ये वाला। हाँ, शायद साइंस में है ये वाला टॉपिक। इस इंस्ट्रूमेंट से हम वो नाप सकते हैं अपने पास ये जो एंगल है, एंगल नापने काम आते हैं। तो ये डिस्टेंस दे रखे, डिस्टेंस भी नाप सकते हैं ग्राउंड पे तो हम, लेकिन ऊपर नहीं नाप सकते, तो ये वाले आप हाइट निकाल सकते हो, ये वाली हाइट। हाँ, यानी हाँ ट्रिग्नोमेट्री के हेल्प से आप ये वाली हाइट निकाल सकते हो, ये वाली भी हाइट निकाल सकते हो, ये वाला, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखे आप, मैं जस्ट कहा रख दिया, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो एनसीईआरटी का। एनसीईआरटी क्वेश्चन करने पहले मैं एक बार थोड़ी सी और डेफिनेशन बता देता हूँ, एंगल ऑफ एलिवेशन किसको बोलते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन, और एक नाम होगा अपने पास एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये दो नाम अपने पास। तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या कहेंगे, जैसे मान लो अपने पास ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग पे यहाँ पे एक हाइट नहीं पता भाई, हाइट वाइट का सिस्टम नहीं है अपने पास। बिल्डिंग के यहाँ पे एक मैंने लगा रखा है कैमरा, यहाँ पे कैमरा लगा रखा है, यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, और मैं खड़ा हूँ यहाँ पे। अब मैं यहाँ से, हाँ ज्यादा दूर नहीं है, मैं यहाँ से इस ऑब्जेक्ट को देख रहा हूँ, मैं यहाँ से इस ऑब्जेक्ट को देख रहा हूँ। अब जो देखा तो इस टाइम ये वाली जो लाइन है उसको बोलते हैं हम हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन ये वाली। और जो ये वाले जो मैं देख रहा था यहाँ से इस ऑब्जेक्ट को देख रहा था उस, हाँ लाइन ऑफ साइट बोलते हैं, लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट, जिस लाइन से हम देख रहे हैं ऑब्जेक्ट को ये वाली लाइन ऑफ साइट बोलते हैं। इन दोनों के बीच में एक एंगल बनाया, छोटा सा एंगल, उसका नाम मैंने रख दिया थीटा। इस वाले एंगल को नाम देते हैं हम एंगल ऑफ एलिवेशन। यानी कहने का मीनिंग क्या हुआ, एंगल ऑफ एलिवेशन किन दो लाइन के बीच बनता है, एंगल ऑफ एलिवेशन एक तो हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में और दूसरे लाइन ऑफ साइट के बीच में, इन दो लाइन के बीच में उनके पास जो एंगल बनेगा उसको हम एंगल ऑफ एलिवेशन नाम देंगे। जो एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन, अब एंगल ऑफ डिप्रेशन के बारे में, हाँ एंगल देख, एक बार ये पहले ये चेक करते हैं किन दो लाइंस के बीच में बढ़ता है, फिर उसके बाद डिफरेंस बताएंगे दोनों में क्या डिफरेंस है। तो मैं भाई यहाँ पे था, ये मैं हाँ बिल्डिंग के ऊपर छत पर बैठा हुआ था, यहाँ पे ये बैठा भाई, ये बैठा हुआ यहाँ पे बैठा हुआ। अब मैंने एक कार देखी, यहाँ पे एक कार देखी छोटी सी, ये वाली कार देखी यहाँ पे। अब यहां से मैं इस कार को नीचे की साइड देख रहा हूँ, ये नीचे की साइड, तो अपने पास यहाँ पे मैंने, यहाँ पे जो ऑब्जर्वर की आई थी, यहाँ पे मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींची यहाँ से, ठीक
बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लाइन, ये जो लाइन है इस लाइन को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन। इस लाइन को क्या बोलेंगे फिर, इस लाइन को जहां, हाँ जिस लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट जिससे हम ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, जिस लाइन के थ्रू हम ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं उसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट। अब ये हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच जो एंगल बड़ा उसका नाम है इनर्जिया थीटा। इस थीटा को हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब बात आती है दोनों में डिफरेंस क्या हुआ, बता सकते हो डिफरेंस क्या हुआ, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन में डिफरेंस क्या दिख रहा है? यानी जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो अपने पास कब कब बनेगा, जब अपने पास कोई ऑब्जेक्ट अपने आंख से ऊपर लाई करता है, यानी अपने यहाँ पे मैं खड़ा हूं, अगर यहाँ तो हाँ ऊपर की साइड अगर कोई लाई कर रहा ऑब्जेक्ट और उस इस ऑब्जेक्ट को अगर देख रहे हैं तो जो एंगल बनेगा हॉरिजॉन्टल और लाइन ऑफ साइट के बीच में, यानी हम ऊपर की साइड देख रहे हैं, यानी पंखे को देख रहे हैं तो उस टाइम, हाँ ऊपर की साइड देख रहे हैं, किसी को देख रहे हैं तो उस टाइम एंगल ऑफ एलिवेशन। अब ये वाला एंगल कब बढ़ेगा, ये वाला एंगल डिप्रेशन का एंगल, जब हम अपने से नीचे के ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, हाँ नीचे से, हाँ ऊपर से नीचे देख टाइम जो एंगल बनेगा उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। और दूसरी बात ये भी हॉरिजॉन्टल और लाइन ऑफ साइट के बीच बनता है, ये भी हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट के बीच बनता है। अब एक बार ये बताइए ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल, ये एंगल थीटा होगा, क्यों, क्योंकि ये दोनों लाइन हो गए पैरेलल और ये एक प्रकार से अल्टरनेट एंगल का काम कर गया, हाँ यानी दोनों अल्टरनेट एंगल। बस ये था लाइन ऑफ नेट। अच्छा आज नेटवर्क की थोड़ी सी प्रॉब्लम रहने वाली है अपने पास हल्की सी, हटा दो ये वाला एंगल, ये वाला हटा दो एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन, या दो, हाँ अब इसके बाद आ जाते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रखा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक बार बुक में पढ़े, मैं भी पढ़ता हूँ साथ साथ। ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप, ठीक है, यानी कोई सर्कस का आर्टिस्ट है वो 20 मीटर लंबी रस्सी के ऊपर जा रहा है, विच इज टाइटली स्ट्रेच, जो रस्सी है वो टाइटली स्ट्रेच कर रखी है, बांध रखी है, एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ वर्टिकल पोल, टॉप ऑफ वर्टिकल, वर्टिकल पोल के टॉप से बांध रखी है, तो फाइंड द हाइट ऑफ पोल इफ द एंगल मेड बाय रोप विद द ग्राउंड इज 30 डिग्री। देखो स्टार्टिंग से करते एक बार क्या देखा है, एक सर्कस आर्टिस्ट था वो 20 मीटर लंबी रस्सी ऊपर जा रहा है, ठीक है, और रस्सी कहाँ क्या कर रखी है, रस्सी के ऊपर तो जा रहा है लेकिन रस्सी का थोड़ा सा देख लेते, रस्सी कहाँ बांध रखी है, तो रस्सी अपने पास बांध रखी है टॉप ऑफ वर्टिकल पोल से ग्राउंड पे, यानी कोई वर्टिकल पोल दे रखा है क्वेश्चन में। अब इसका जो टॉप है ये वाला पॉइंट, ए इज टॉप ऑफ वर्टिकल पोल, बी इज फुट, बी को बोलते हैं फुट ऑफ पोल, ये बड़ा, अब कोई रस्सी बांध रखी है इसके टॉप से ग्राउंड पे, कहीं भी ग्राउंड पे हम कहीं भी ले सकते हैं, मान लो ग्राउंड अपने पास ये है तो मैंने ग्राउंड पे कोई पॉइंट ले लिया सी यहाँ पे, ये बड़ा, यहाँ से एक रस्सी बांध रखी है यहाँ पे, ये बड़ा, और टाइटली स्ट्रेच है बिल्कुल खींची हुई है वाली रस्सी, तो फाइंड द हाइट ऑफ पोल, इसकी हाइट फाइंड करनी, इस पोल की हाइट क्या आएगी, ठीक है, इफ द एंगल मेड बाय रोप विद द ग्राउंड, जो एंगल है मेड बाय रोप, रोप ने विद द ग्राउंड जो एंगल बना रखा है वो अपने पास 30 डिग्री बना रखा है, ये बड़ा, तो फाइंड द क्या, फाइंड क्या करना, हाइट ऑफ पोल, हाइट ऑफ पोल निकाल लिया, हाँ और ये एक चीज रस्सी की लंबाई और देखिए 20 मीटर ये दे रखिए, तो कर देते हैं, कर लेंगे ये वाला क्वेश्चन अब आगे, हाँ बिल्कुल, एंगल दे रखा है, हाइपोटेन्यूज दे रखा है, परपेंडिकुलर निकालना है, तो अपने पास फार्मूला क्या बन जाएगा, थीटा है पी, हाँ साइन वाला यूज कर लेते हैं क्योंकि अपने पास क्या था, पी बी पी एच एच बी, हाँ तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज दे रखा अपने पास, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज अपने पास एक फार्मूले में ही है, पी और एच, ये वाला, हाँ साइन थीटा, थीटा अपने पास 30, यानी साइन 30 इज इक्वल टू पी, पी का मीनिंग ए बी,
और एच का मीनिंग 20, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 AB बाई 20, 10 आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले देखो, आपने क्वेश्चन का आंसर तो बता दिया, 10 आ जाएगी बड़ा। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले ऊपर लिख दिया करो क्या क्या मान रखा हमने, तो ऊपर स्टार्टिंग में, स्टार्टिंग में सबसे ऊपर लिखोगे AB, AB इज हाइट ऑफ पोल, ये वाला ठीक है। और AC क्या है, AC इज लेंथ ऑफ रो, रो की लेंथ है, ये बारे। BC को अपने पास ग्राउंड है, BC इज ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, बस C इज ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ठीक है। इस एंगल के बारे में बता दो, एंगल ACB इज इक्वल टू दे रखा है 30 डिग्री, एंगल ACB 30 डिग्री, बस ये सारी चीज लिख देनी है, जो जो हम लाइट करेंगे सारा सब कुछ बताएंगे। ये था तो फर्स्ट क्वेश्चन में, किसी को प्रॉब्लम हो करने में तो पूछ सकता है फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन अगर किसी को दोबारा करवाना हो, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन के एक बार थोड़ा सा पढ़ लेते हैं क्या दे रखा है सेकंड में। एक मिनट, एक ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्ट्रोक, एक पेड़ था भाई वो बीच में से टूट के गिर गया, ठीक है, कैसे टूटा भाई, एंड ब्रोकन पार्ट बेंड, तो टूटा हुआ जो पार्ट वो बेंड हो गया, ठीक है। सो दैट टॉप ऑफ ट्री टच द ग्राउंड, जो टूटा हुआ पार्ट है वो ऐसे, जो ट्री ऐसे टूटा है, प्रपास ट्री है वो बीच में से टूट गया, और जो टूटा हुआ पार्ट था, टूटा हुआ पार्ट बेंड करके ग्राउंड के साथ टच कर गया, ये बात। हाँ अपना मार्कर नहीं तोड़, कभी सोच रहे हो मार्कर तोड़ के दिखाएंगे अब, तो टूटा हुआ पार्ट, टूटा हुआ पार्ट बेंड कर गया, 30 डिग्री एंगल बना रहा है ग्राउंड के साथ। डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ ट्री टू द पॉइंट वे टॉप टच द ग्राउंड इज 8 मीटर, फाइंड द हाइट ऑफ ट्री। एक बार मैं देख लेता हूँ क्या क्या दे रखा है, एक ट्री दे रखा है, पहले मैं ट्री मान लेता हूँ भाई, ट्री मान लिया है, ये ट्री मान लिया, ठीक है भाई, ये पत्ती पत्ती लग रही है सब जगह, पत्ती 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 सब, और इस साइड भी लग रही है, ठीक है ठीक है। अब इसके बाद क्या कर रखा है, ये टूट गया कहीं से बीच में से, आंधी की वजह से बीच में से टूट गया, मैंने मान लिया ये ए पॉइंट है, ये इसका बी पॉइंट है, बिल्कुल भाई ये बी पॉइंट है, ये बड़ा हाई बिल्कुल है बी पॉइंट पे, देखो अब ऐसा कुछ है। चलो फिर, चलो मान के ठीक है, ये ए पॉइंट था, ये बी पॉइंट था, ये ए पॉइंट था, ये बी पॉइंट था अपने पास। अब क्या कहा, एक ट्री टूट गया, अब ये टूट गया बीच में, बिल्कुल मिडल में से नहीं कह रखा हाइट, इसके मिड पॉइंट में टूटता है, कहीं से टूट गया, मैंने मान लिया सी पॉइंट पर से टूट गया, तो जो ये वाला जो जो ब्रोकन पार्ट है वो बैंड होके ग्राउंड के साथ टच हो गया, यानी कहने का मीनिंग है जो बी पॉइंट कहा गया, बी पॉइंट यहाँ आ गया शायद, बी पॉइंट बी, ये टूट गया ट्री, और ट्री टूट के यहाँ लटक गया, ये वाला, यानी जो पत्ती पत्ती थी यहाँ लटक रही है। उसके बाद क्या कह रखा, डिस्टेंस दे रखी है किसकी, फुट ऑफ ट्री, फुट ऑफ ट्री फेयर द पॉइंट टच, जो पॉइंट टच करता है यहाँ पे, ये दे रखी है 8 मीटर दे रखी है, और ये एंगल बना रहा है 30 डिग्री, जो ब्रोकन पार्ट है 30 डिग्री का विद द ग्राउंड, ये बना, तो फाइंड द हाइट ऑफ ट्री, हाइट ऑफ ट्री, हाइट ऑफ ट्री है कौन सी, ट्री की हाइट है कौन सी, एक बार ये बताएंगे। AC नहीं है भाई, AC नहीं है ट्री की हाइट, ध्यान दे, ट्री है का, ट्री जो है वो AB हाइट का था अपने पास, और AB हाइट अगर निकालनी हो तो उसका मीनिंग AC + CB, यानी हमें एक तो AC निकालनी पड़ेगी और एक हमें BC निकालनी पड़ेगी, ये बड़ा है, यानी
हाँ पहले यानी ये वाली साइड निकाल के बताऊंगा, फिर उसके बाद ये वाली, तो मैं फार्मा लिख देता हूँ, PBBHHB। ठीक है, एक बार बताएंगे किस सबसे ऊपर क्या लिखेंगे। ए बी लिखेंगे, ए बी द ट्री, या हाइट ऑफ ट्री, ए बी इज हाइट ऑफ ट्री, सी इज द पॉइंट वेयर ट्री ब्रेक्स, हाँ ब्रोक का जो भी है, और फिर उसके बाद जो बी सी जो पार्ट है ना, इतना ज्यादा लिखा है, अरे ना इतना ज्यादा नहीं, मतलब थोड़ा बहुत, ठीक है, और ये एंगल आ गया, एंगल ए बी से आके अपने पास 30 डिग्री, हाँ बस बस इतना, बहुत इतना ही, यानी अपने पास ये एंगल दे रखा है, अगर ये एंगल दे रखा है तो इस वाले का हम नाम देते हैं बेस, बेस नाम देते हैं, इस वाले का नाम परपेंडिकुलर, इस वाले का नाम हाइट देते हैं। तो हमने परपेंडिकुलर पर बेस दे रखा है, तो परपेंडिकुलर निकालना है, तो परपेंडिकुलर बेस में ये फार्मूला था, ये बड़ा टेन का टेन टेन थीटा, थीटा अपने पास 30, टेन 30, टेन 30 का मतलब, हाँ यानी ए सी बाई ए बी, ये आ गया, टेन 30 की वैल्यू 1/√3, और ए सी की वैल्यू, ए सी तो निकालना ही है, ए बी कितना है 8, ये आ गया, ए सी की वैल्यू कितनी आ गई 8, इस साइड भेज दें, हाँ ए सी की वैल्यू आ गई 8/√3, लेकिन एक हम कोशिश करेंगे कि √3 को कभी डिनोमिनेटर में ना लिखें, क्योंकि √3 डिनोमिनेटर में सुंदर नहीं लगता, हाँ इसका रेशनलाइजेशन कर देते हैं सुंदर दिखाने के लिए, इसको √3 से ऊपर और √3 से नीचे, तो ये आ गया 8√3, √3 का मीनिंग 3, हाँ एस सी निकल के आ गया ये वाला, हाँ ये वाला आ गया, ठीक है, अब ये वाला निकालते हैं बेस और हाइपोटेन्यूज, देखो बेस और हाइपोटेन्यूज का ये फार्मूला रहा, ये भी निकालना था, तो cos थीटा का फार्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो थीटा कितना अपने पास 30, cos 30, बेस अपने पास है 8 और हाइपोटेन्यूज अपने पास तो निकालना ही है, हाइपोटेन्यूज का मीनिंग ये आ गया, और cos 30 की वैल्यू √3/2 ये पुट कर दी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो ये आ गया √3 BC = 16, तो BC की वैल्यू आ गई 16/√3, वही सेम बात, √3 नीचे आ गया, सुंदर दिखाओ इसको, √3 यानी 16√3/3 आ गया, ये डिस्टेंस पता लग गई 16√3/3, ये पता लग गई 8√3/3। अब हमने हाइट ऑफ ट्री निकाली, तो हाइट ऑफ ट्री कैसे निकालेंगे, दोनों का ऐड करते हैं, तो कितना आएगा ये 3/12 से आ जाएगा, 16√3 + 8√3, हाँ 24√3 आ गया अपॉन में 3, तो 3 8 24 यानी 8√3 आ गया भाई, हाँ पहले ही पता लग गया मुझे भी, बताओ ठीक है, ये लेट आने का कमाल है, लेट आने का कमाल है ये सेकंड, ये था भाई, धीरज को छोड़ के अगर किसी को समझ ना हो, क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन था, हाँ यूट्यूब पे मिल जाएगी, सेकंड क्वेश्चन में क्या, अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो पूछ सकता है, हाँ चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन वो ये रिवीजन की सारी वीडियो है, पहले वाली अभी जो रिवाइज कर रही है तो मिले मिलेंगे आपको, तो पहले करवाई थी उसमें एक एक क्वेश्चन भी देख सकते हो आप, हाँ 10th क्लास में मैंने 2 प्लेलिस्ट बना दी, एक तो अभी रिवीजन की बनाई है और एक पहले से बनी हुई, अगला जाते क्वेश्चन नंबर 3, एक बार किताब में से पढ़े एनसीईआरटी की मेरे, हाँ एक कौन पढ़ भी लिया तो रखा इसमें सीधा कर दे, हाँ ठीक है एनसीईआरटी में पढ़ रहा हूँ, पढ़ देते हैं जल्दी से, एक कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल टू स्लाइड्स का मीनिंग होता है फिसलन पट्टी जो ग्राउंड में लगाते हैं, एक कॉन्ट्रैक्टर है वो 2 फिसलन पट्टी लगाएगा, 2 स्लाइड्स लगाए अपने पास, ठीक है, चिल्ड्रंस के लिए क्यों, खेलने के लिए, फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज, हाँ 5 साल जो छोटे हैं उनके लिए क्या कर रखा है उसने, सी
prefer to have slide whose top is at height 1.5, यानी वो 1.5 ग्राउंड से 1.5 मीटर हाइट तक देगा वो, जो 5 साल छोटे हैं। हाँ ऐसे ही नेक्स्ट इंक्लाइंड एट 30 डिग्री, वो 30 डिग्री के एंगल पे इंक्लाइंड है, ठीक है। वेरस फॉर एल्डर चिल्ड्रन, इससे बड़े जो बच्चे हैं, सी वांट्स टू हैव स्टीप स्लाइड एट हाइट ऑफ 3 मीटर, उसकी हाइट जो बड़े बच्चों के लिए हाइट कर दे 3 मीटर की, और एंगल कर दिया उसके ग्राउंड के साथ 6 डिग्री का, तो व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ स्लाइड इन ईच केस। एक बार देख लेता हूँ क्या कह रखा क्वेश्चन में। क्वेश्चन में एक कॉन्ट्रैक्टर था भाई, और उस कॉन्ट्रैक्टर ने क्या किया, 2 स्लाइड्स लगानी है, और 2 स्लाइड्स जो पार्क में लगती है, हाँ हाँ जो पार्क पार्क में नहीं लगाती है, देखते हो अपने स्कूल में लगी है वो किसी में पट्टी से सू जाती हो, हाँ हाँ जो बैठते हैं वो नीचे फिसल के पड़ जाता है, वो बड़ा ऊपर से नीचे किस घसीटते हैं वो बड़ा। तो एक कॉन्ट्रैक्टर ने 2 स्लाइड्स लगाई, एक तो 5 साल से छोटे बच्चों के लिए, और एक लगाई 5 साल से बड़े बच्चों के लिए स्लाइड्स। ये लगाई छोटे बच्चों के लिए, छोटे ये स्लाइड्स है, ये वाली ए बी स्लाइड्स है, ए बी सी पी क्यू आर, ये 5 साल छोटे वाले के लिए है, ये 5 साल से बड़े वाले के लिए है। इसने क्या किया, जो 5 साल छोटे हैं उनकी हाइट रखी 1.5, स्लाइड का जो टॉप है वो 1.5 मीटर पे है, इस वाले जो बड़े बच्चे हैं उनके लिए लिखा 3 मीटर की, ये बात। ये जो एंग, ये जो स्लाइड थी वो ग्राउंड के साथ 30 डिग्री एंगल बना रही थी, ये जो स्लाइड है ग्राउंड के साथ दे रखी है 60 डिग्री एंगल बना रही है, ये क्वेश्चन दे रखा है, पढ़ लिया होगा आपने क्वेश्चन, यही पे रखा है, मैंने कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं लिखी है। 2 स्लाइड्स थी, कॉन्ट्रैक्टर ने 2 स्लाइड्स लगाई है, एक तो ये वाली और एक ये वाली, इसकी हाइट 1.5, इसकी हाइट 3 मीटर, इसका एंगल 60, उसका एंगल 30। ये आपने ये बताया क्या कि ए बी और पी आर की वैल्यू क्या होगी, ए बी और पी आर की वैल्यू बता देंगे, बता देंगे नहीं बताएं, बताएंगे कि नहीं, एफ बी की वैल्यू निकालनी है आपने, एफ बी बताएंगे या नहीं। अरे कहाँ गए सारे, कहाँ गए, कोई नहीं दिखाई दे रहा, आवाज आवाज तो आ रही है सही, अच्छा आवाज नहीं आ रही, आवाज, अरे वाह, अब आवाज आ रही है, अब उस दिन का तो ध्यान ही नहीं है क्या किया था, अब अच्छा, अरे वाह सही है फिर तो, एक बार दोबारा रीज्वाइन करते हैं,
कनिका आवाज बताएं, आवाज आ रही है? नहीं नीरज, वाह सही है सही है सही है सही है। अरे यार वो फोन आ जाता है बीच बीच में तो दिक्कत हो जाती है, अपना आप कनेक्शन छूट जाता है। क्या करे मानते हैं। हेलो बिल्कुल प्रतीक, तो फिर तो मैं कर दूंगा। एक बार इस क्वेश्चन का रकम पढ़ ली थी, वही चल रहा है सेम, पढ़ लिया होगा। हाँ मैंने कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं लिखे, जो दे रखा था वही लिख रखा है सेम। मैंने ये निकालनी थी लेंथ ऑफ स्लाइस, लेंथ ऑफ स्लाइस यानी किसकी वैल्यू निकालनी है, एबी की और एक सेकंड पी आर की। टेन वाला लगेगा क्योंकि ये एंगल है, तो ये परपेंडिकुलर ये निकालना है यानी आई प्लस। ऐसे ये एंगल है, ये परपेंडिकुलर और ये आई प्लस, तो परपेंडिकुलर आई प्लस का फॉर्म लगाना है। कौन सा लगाओगे, कौन सा लगाओगे, साइन वाला? हाँ परपेंडिकुलर, हाँ हाँ बिल्कुल परपेंडिकुलर आई प्लस का साइन वाला लगाओगे, तो साइन थीटा, थीटा अपने पास होता है 30, साइन 30 परपेंडिकुलर यानी बी सी और ये ए बी, साइन तो 30 की वैल्यू 1/2, बी सी तो निकालना है, बी सी तो अपने पास देखा 1.5, 1.5 अपॉन में ए बी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, ए बी की वैल्यू आ गई 1.5 × 2 आ गया 3, ए बी की वैल्यू आ गई 3। ऐसे सिमिलरली आप ये वाला साइड कर सकते हैं, इसको भी निकाल के दिखाएं अलग से ही, सेम कर लोगे साइंस? हाँ साइंस, हाँ वही सेम। ठीक है, इस क्वेश्चन में किसी को प्रॉब्लम हो क्वेश्चन नंबर 3 में तो पूछ सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, द एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है, कहां से एंगल ऑफ एलिवेशन की बात कर रहे हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब ऊपर देखना, ऊपर। ठीक है, क्या देखना ऊपर? एंगल ऑफ एलिवेशन किसका, ऑफ द टॉप ऑफ टावर को, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर, ये टॉप ऑफ टावर को देखना हमने, हम नीचे ग्राउंड पे हैं, टावर के टॉप को हमने देखना है कहां से, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, एक पॉइंट है ग्राउंड पे विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ टावर इज 30 डिग्री, तो फाइंड द हाइट ऑफ टावर। स्टार्ट करते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन था किसका, टावर का, तो टावर के बारे में बात हो रही है तो मैं टावर के बारे में कुछ बना देता हूँ। टावर अपने पास है, ये बना लिया ए बी, ए बी अपने पास कोई टावर है। ठीक है, अब क्या करते हैं, द एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन इसका किसका, टॉप टावर को यानी इसके टॉप को देख रहे हैं। अब टॉप को कहां से देख रहे हैं, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, कोई पॉइंट लिया मैंने ग्राउंड पे, ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड ले लिया, सी कोई पॉइंट है। अब यहां से इसके टॉप को देख रहे हैं, ये देख लिया भाई, ये देखा, तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन है इज 30 डिग्री, एंगल ऑफ एलिवेशन इज 30 डिग्री यानी ये वाला एंगल है वो 30 डिग्री। और एक चीज और कह रखी है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, जो ग्राउंड में जो पॉइंट था विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ टावर, ये पॉइंट 30 मीटर दूर है फुट ऑफ टावर से, यहां से 30 मीटर दूर, तो निकालनी है फाइंड द हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर ये वाले निकालें, तो कर लोगे ये वाला क्वेश्चन, ये है हाँ ये दे रखा है, ये निकालना, कौन सा फार्म लगेगा, कौन सा फार्म लगेगा, परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर बेस का टेन थीटा वाला, टेन 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बेस, कर लेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 5। हाँ 5 ही करवाएंगे क्योंकि हाँ ये 5 तो हमने कल ही कर लिए, बस आज के 5 ही करेंगे 10 तक। आवाज नहीं आ रही किसी की भी। ठीक है, एक काइट इज फ्लाइंग, ए काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर,
सात करवाएंगे सिर्फ, आज के साथ। हाँ सात करवाएंगे। हाँ एक देखो क्या दिक्कत है, ये बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। एक और यार, सुबह तो बिल्कुल ही टाइम नहीं रहता। चलो कितने बच्चे, सारे लोअर क्लास भी लग रही होंगी सुबह तो? सुबह सुबह और क्लास नहीं लगती तुम्हारी ऑनलाइन? 9 बजे तो 9 मेरी रहती है उस टाइम, 9 से पहले तो 8 से 9, 8 से 9 रहती है मेरी, 8 से 9 प्लस। चलो देख लेते हैं, फिर कर लेंगे बात। एक काइट इज फ्लाइंग, एक काइट है फ्लाइंग कर रहा है एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर अबाउट द ग्राउंड, कोई पतंग है? एक चीज मैं बताता हूं आपसे, यहाँ पे कोई पतंग है, ये बड़ा, ये पतंग भाई, ये पतंग है। एक काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर अबाउ द ग्राउंड, 60 मीटर ऊपर है। तो एक बार ये बताओ, जो 60 मीटर डिस्टेंस है वो कौन सी दे रखी है, हाइट दे रखी है पतंग की? बीसी। हाँ हाइट हमेशा कभी भी, हाँ हाइट कभी भी अगर दे रखी हो तो हमेशा परपेंडिकुलर वाली मेजर करनी है, ये वाली हाइट कभी भी आपने नहीं लेनी। हाँ तो बीस के प्रपात देखिए 60 मीटर। द स्ट्रिंग, जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग द स्ट्रिंग अटैच टू ए काइट इज टेम्परेली टाइड टू पॉइंट ऑन द ग्राउंड, जो स्ट्रिंग है इसके साथ वो टेम्परेली टाइड कर रखी है ग्राउंड के साथ। इंक्लिनेशन दे दिया स्ट्रिंग का विद द ग्राउंड, इंक्लिनेशन दे रखा है 60 डिग्री का, जो स्ट्रिंग है वो 60 डिग्री के पे बांध रखी है। तो फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग यानी किसकी वैल्यू निकालनी है, एसी की निकालनी। कौन सा फार्मूला काम कर जाएगा यहाँ पे, साइन का। हाँ क्योंकि अपने पास ये एंगल दे रखा है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज निकालना, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज यानी साइन 60 वाला फार्मूला काम कर जाएगा यहाँ पे, ये था। ठीक है क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट होते हैं, मेन क्वेश्चन अपने पास क्वेश्चन नंबर जो 6 है यहाँ से अपना सात। अच्छा चलो तो फिर चलो चेक तो करो। एक पॉइंट है, देख एक पॉइंट का है ए वन इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 तो पेपर में भी आता है बहुत बार, 3 बार तो जब मैंने दिया था, 3 बार तो जब मैंने पेपर दिया जब भी आया था, एक बार ना ना 3 बार पेपर दिए थे मैंने, ये कहा था रेल के बारे में कही। तो ए 1.5 मीटर टॉल बॉय, ठीक है, इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ए 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, यानी क्या कर रखा है यहाँ तक, इसका मीनिंग क्या हुआ गया? मैं बताता हूँ जोर ना डाले। एक 1.5 मीटर का टॉल बॉय है, ठीक है, वो कुछ स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस, कुछ दूरी पे खड़ा हुआ है कहाँ से, 30 मीटर टॉल बिल्डिंग से। हाँ मैं एक बार लिख लेता हूँ सारी चीज, एक 30 मीटर की टॉल बिल्डिंग है। हाँ ये बिल्डिंग ले भाई, ए बी 30 मीटर की, ठीक है, एक 1.5 मीटर का टॉल है। हाँ ये वो लेवल टावर, ये ले बॉय, एक बॉय है ए बी सिटी ले ले, हाँ सिटी है। एक अपने पास 1.5 मीटर का टोल बॉय, ये बात ठीक है, ये बॉय है, ये बिल्डिंग है, कुछ दूरी पे खड़े हैं, मान लो कितनी भी दूरी हो सकती है। अब आगे देखता आगे क्या करता है, द एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन इज कमिंग, हम ऊपर की साइड देख रहे हैं किसको, फ्रॉम हिज आई, इसकी आई से, टावर की आई से, किसकी आई से, टावर की आई से तो नहीं हो सकते आप, बॉय की आई से हो सकती है, टावर की आंख थोड़ी होती है, ये बारी इसकी आई से, ठीक से कहां से, टॉप ऑफ बिल्डिंग, टॉप ऑफ बिल्डिंग, टॉप ऑफ बिल्डिंग यहां तक, ये वाला इसकी आई से, ये वाला जो टॉप इसको देख रहे हैं, हाँ
ना ना, आप तो ऊपर ही होते भाई, हमारे तो नीचे नहीं है, हमारे तो ऊपर है ना, ऊपर है, ऊपर नीचे नहीं होती हमारे तो हमारे तो गांव में सब कैसे ही है, ऊपर ही है सभी के। तो एंगल ऑफ वैल्यू, हाँ ठीक है, आई से ही लेनी है, जहां भी आंख हो वहां आई से ही मेजर करनी है हमने, हम इतना तो नेगलेक्ट करके चलेंगे थोड़ा बहुत तो। द एंगल ऑफ वैल्यूएशन, हाँ 1 मिनट, द एंगल ऑफ वैल्यूएशन है, द एंगल ऑफ वैल्यूएशन, हाँ यहाँ से यहाँ तक कह रहा था, फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ बिल्डिंग इंक्रीज फ्रॉम 30 to 60, जो एंगल ऑफ वैल्यूएशन है वो 30 से 60 हो गया है। अब हुआ एज ही वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग, यानी ये कह दिया जब ये लड़का था इस बिल्डिंग की तरफ चला, तो उस टाइम पहले एंगल वैल्यूएशन था 30, उस टाइम चलने के बाद एंगल वैल्यूएशन हो गया 60। तो मैं बना देता हूँ एंगल ऑफ वैल्यूएशन हमेशा ओरिजेंटल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच बढ़ता है, तो ये आपने जो करनी पड़ेगी बड़ी, यहाँ पे एंगल है 30 ये बड़ा, अभी कुछ टाइम चलने के बाद ये लड़का आ गया यहाँ पे ये बड़ा, अब इस पॉइंट से इसका एंगल ऑफ वैल्यूएशन हो गया, पहले था 30 अब हो गया 60 ये बड़ा, और देख लेते क्या दिर्क इसमें कुछ दिर्क है ना दिर्क। फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग, इसका नाम मैंने एम डाल दिया, तो ये बता रहे फाइंड द डिस्टेंस एज ही वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग, कौन सी डिस्टेंस निकालनी है, कौन सी डिस्टेंस लिख रखे है भाई, लिख रखे हैं सारे, लिख रखे हैं डीएम निकाला, हाँ फाइंड द डिस्टेंस, हाँ ये था ये वाला, यानी पहले क्या था 1.5 मीटर का लड़का था, 30 मीटर का बिल्डिंग थी, एक बार ये बता फिर, ये 30 मीटर की बिल्डिंग है तो अच्छा ये ले भाई, ये लिख दे फिर, क्या लिख दे, एक्स वाई जेड, वाई लिख दिया, वाई लिख दे वाई, एक बार ये बताइए, ये बताइए वाली कितनी हाइट होगी, ये वाली 1.5 रहने हैं, बिल्कुल ठीक है, टोटल कितनी थी ये, तो ऊपर वाला 28.5 आ गई, 30 थी कंप्लीट, इसमें से ये घटा दिया 28.5, ठीक है, हमने क्वेश्चन में निकालना था डीएम की वैल्यू, डीएम की वैल्यू निकाल दिया। अब अपने पास दो राइट एंगल ट्राइंगल दिख रही है, कौन कौन सी, बी 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 एम एन और एक बी एन डी, हाँ बी एन टी, एक तो बड़ी वाली है और एक छोटी वाली ट्राइंगल, तो कर लेते हैं दोनों ट्राइंगल के बारे में लिख देता हूँ, ये एक तो ट्राइंगल अपने पास इन ट्राइंगल, कौन सी, बी एन एम, इन ट्राइंगल बी, क्या कह रहे हो, आवाज नहीं आ रही प्रतीक, चलो देख लेना इन ट्राइंगल बी एन एम वो आवाज नहीं आ रही है नेटवर्क प्रॉब्लम है, और हाँ, एक तो ट्राइंगल ली बी एन एम और दूसरे ट्राइंगल ली बी एन डी, ये ट्राइंगल है ठीक है, दोनों ट्राइंगल का लिख लेते हैं, तो पहले वाले ट्राइंगल में एंगल है 60, 60 टेन का लगा दो फार्मूला, टेन का टेन 60, टेन 60 है, टेन 60, टेन 60 लगाया, टेन 60 परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर बाई बेस लगाया, तो परपेंडिकुलर अपने पास है 28.5, क्योंकि टेन का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर 28.5, बेस कितना है एमएन, बेस नहीं लिखा एमएन, टेन 60 की वैल्यू आ गई √3, 28.5 अपॉन एमएन, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे एमएन यहाँ चला जाएगा, ये डार्क मार के यहाँ चला जाएगा, तो एमएन की वैल्यू आई अपने पास 28.5 बटे में √3, और मैंने एक चीज और बताई थी आपसे, हाँ सुंदर नहीं दिख रहा ये रूट, हाँ सुंदर दिखने के लिए √3 ऊपर और √3 नीचे, √3 और √3 की मल्टीप्लाई हो जाती 3, ये आ गया, कैंसिल हो रही है, कैंसिल हो रहा है, हाँ कट जाएगा ना 8 और 10 15, हाँ कट जाएगा, हाँ 3 × 27 3 पॉइंट, हाँ एम एन की तो आ गई 9.5 √3,
या क्या ठीक है, लेकिन हमने तो एमएन, हाँ एमएन नहीं निकाला, हम तो डीएम निकाला। ठीक है, अब बड़ी वाला ट्रायंगल ले लेते हैं, एंगल दे रखा 30, हाँ 10 10 30, 1 मिनट, 10 30 परपेंडिकुलर, हाँ 10 30 1 मिनट परपेंडिकुलर, 1 मिनट 1 मिनट सभी नहीं कर सकते, 10 30 10 30 परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर डीएन, बेस 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 है एनडी, इस ट्राइंगल में लगाया बड़ी वाल ट्राइंगल में, हाँ 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट मैं कर देता हूँ, 1 मिनट रुके सारे, म्यूट कर ले थोड़ी देर सभी। ये एंगल है 30, बड़ी वाल ट्राइंगल, बड़ी वाली ट्राइंगल में काम कर रहा था, एंगल है 30, 10 30 परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बी एन, बेस है एनडी, 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3, बी एन की वैल्यू होती है, बी एन के अपने पास है 28.5, एन डी, अब एन डी था, हाँ वो उसमें से खत्म की है, वो सिर्फ नॉर्मल नॉर्मल खत्म की है कॉम्प्लीमेंट्री। एक मिनट आवाज आई वो बहुत ज्यादा पीछे से, आप तो ठीक है, पीछे जैसे टीवी की सुनाई दे रहा हूँ। 10 30 10 30 की वैल्यू 1/√3, बी एन आपने ये पुट की, एन डी, एन डी की वैल्यू पुट की, एन डी की क्या, एन डी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ एन एम प्लस एम डी, एन डी को, हाँ एन एम प्लस एम डी, आवाज वो, हाँ ये आ गया, हमने एम डी की वैल्यू निकाली है, एन एम की वैल्यू अभी निकाल कहते हैं, एन एम की वैल्यू निकाल के 9.5√3, हाँ कौन सा आवाज नहीं आई वो मेरे पास, हाँ एन डी की वैल्यू आने के बाद उसमें से ये घटा देगा, हाँ वो भी ठीक है, वो तो और भी ठीक है, जैसा आता वैसे करो आप। मैंने एन डी को ब्रेक कर लिया, एन डी को एन एम प्लस एम डी कर लिया, क्योंकि एम डी की वैल्यू निकाल ली, एन एम की वैल्यू मैं अभी निकाल के आया था 9.5√3, ये पुट कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 9.5√3 प्लस एम डी, 9.5√3 प्लस एम डी इजी 28.5√3, और ये उस साइड जाकर माइनस, तो एम डी की वैल्यू आ जाएगी 28.5 में से 9.5 गए तो 19.5√3, ये आ गया। कर लोगे क्वेश्चन नंबर 6, कर लोगे यहाँ तक, ठीक है, हाँ ठीक है, कल आपको शायद डेट शीट मिल जाएगी, पहला पेपर मैथ का ही होने वाला है। ओके थैंक यू।